हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज के वीडियो में अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड कंटिन्यू करेंगे, पार्ट सिक्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। आज दो या दो से ज्यादा लिक्विड को सेपरेट करने के लिए प्रोसेस पढ़ेंगे। सेपरेटेड ऑफ बाय टू मेथड्स। इसको दो तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लेक्सुरल डिस्टिलेशन, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या सेपरेटिंग फनल से। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो समझ लेते हैं। फर्स्ट आता है मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या होता है? दोज लिक्विड विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन फ्रॉम अ सिंगल लेयर। वो लिक्विड जिसको किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो बट वो मिक्स हो जाए पूरे तरीके से, होमोजीनियस। मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो मिसिबल लिक्विड होते हैं उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। एमिसिबल लिक्विड्स, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स। वो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते वो अपनी अलग अलग लेयर्स को फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम एमिसिबल लिक्विड्स। अ मिक्सचर ऑफ एमिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एपरेटस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। जो मिक्सचर होता है एमिसिबल लिक्विड का, उसे सेपरेट करने के लिए हम एक एपरेटस होता है उसका यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? सेपरेटिंग फनल। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हेडिंग आती है हमारी सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिससे हम टू मिसिबल लिक्विड्स को कोमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। द डिस्टिलेशन बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर, हर किसी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर वो हीट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस करने के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब। जो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो एक लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब होता है विद ग्लास बेड्स। ग्लास बेड्स के साथ जो ग्लास बेड जो होती है वो उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और जो हॉट वेपर्स जो जाती है उसको वो कूल कंडेंस करके कूल करने में मदद करती है। तो अ फ्रैक्शनल कॉलम कैन बी रिगार्डेड एज एन अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टेम्परेचर। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का। उसके जो बॉटम में जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है, और उसके जो टॉप पर जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है, जिसकी वजह से वो हॉट गैसेस को कूल और कंडेंस कर पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं? अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो मिक्सचर होता है एल्कोहल और वाटर का, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। आप इसको डिटेल में समझते हैं। जो मिक्सचर होता है एल्कोहल और वाटर का, उसे हम हीट करना शुरू कर देंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर हम लगा देंगे फ्रैक्शनेटेड कॉलम। जब मिक्सचर जो होगा वो हीट करना शुरू करेगा तो एल्कोहल जो वाटर होंगे वो दोनों वेपर में बनना शुरू हो जाएंगे। जब वो वेपर में बनना शुरू होंगे तो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएंगे। जब ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो ऊपर क्या है? फ्रैक्शनेटेड कॉलम। तो जो अपर पार्ट जो होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वो कूल होता है, और नीचे वाला होता है लोअर। जब हॉट गैसेस ऊपर जाएंगी तो कंडेंस हो जाएंगी। अब जब कुछ समय बाद जो टेम्परेचर जो होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का टॉप पे वो लेस हो जाएगा। जो फ्रैक्शनेटिंग का जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का टेम्परेचर जब 78 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो जो एल्कोहल की जो वेपर होंगी वो पास होना शुरू हो जाएंगी कंडेंसर से, और कूल होना शुरू हो जाएंगी, और एक अलग बीकर में जाकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एल्कोहल का? 78 डिग्री सेल्सियस। और वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम फ्लास्क को हीट करेंगे ज्यादा तो उसमें हम थर्मामीटर लगा देंगे टेम्परेचर को नापने के लिए। तो बॉइलिंग जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो जो एल्कोहल जो होगा वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो जो वाटर जो होगा वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, जिससे हम एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या समझा हमने? जब 78 डिग्री सेल्सियस होगा तो एल्कोहल वेपर में बनना शुरू हो जाएगा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आते हैं उसके एप्लीकेशंस पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है मिसिबल लिक्विड्स की मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। सेकेंड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसको यूज किया जाता है क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए, जैसे केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट गैस ऑफ द एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसको गैस जो होती है एयर में उसको सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। आता है एयर सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। अब एयर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट कैसे कर सकते हैं?
फर्स्ट पॉइंट, एयर इज फर्स्ट फिल्टर टू रिमूव डस्ट। एयर को हम सबसे पहले फिल्टर करेंगे उसके डस्ट को रिमूव करने के लिए, और उसके वाटर वेपर और उसके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। उसको रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उसे कूल करेंगे तो उसमें वो सॉलिड में चली जाएगी, सॉलिड की वजह से वो ब्लॉक कर देगी पाइप्स को। सेकेंड आता है, एयर इज कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर। एयर को हम कंप्रेस करते हैं हाई टेम्परेचर एंड देन कूल, फिर हम उसको कूल करते हैं। द कूल एयर इज अलाउड टू एक्सपेंड क्विकली। तो कूल जो एयर है वो अलाउड टू एक्सपेंड करना क्विकली इन टू अ चैम्बर, चैम्बर के अंदर थ्रू अ जेट। द एक्सपेंशन कूल्स द एयर इवन मोर। तो जो एक्सपेंशन होता है वो एयर को और ज्यादा कूल कर देता है। जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, उसको पहले हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे बार बार अगेन एंड अगेन, तो जो एयर जो होगी वो ज्यादा कूल होती जाएगी। जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो कूल होती जाएगी। उसके बाद में द एयर गेट्स मोर कूल, इट टर्न्स टू लिक्विड। जब एयर बहुत ज्यादा कूल हो जाएगी तो वो लिक्विड की तरफ चेंज हो जाएगी। इन दिस वे लिक्विड एयर इज ऑब्टेन्ड। जिस तरीके से हमें लिक्विड एयर जो होती है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है। उसके बाद में द लिक्विड एयर इज फेड इनटू अ टॉल फ्रैक्शनेशन कॉलम। अब हमने फ्रैक्शनेशन कॉलम में डाल दिया, अब क्या करेंगे? नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट इज -190°C। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लोअर होता है -196°C। तो सबसे पहले वो बॉइल करना शुरू होगी। जब वो बॉइल करना शुरू करेगी तो वो टॉप में जाकर इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद में जो आर्गन होती है, आर्गन का जो होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है, तो आयरन उसके बाद में बॉइल करना शुरू करेगी। जब आयरन बॉइल करना शुरू करेगी तो वो मिडिल में जाकर कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है उसका सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे लास्ट में बॉइल करना शुरू होगी तो वो बॉटम में जाकर कनेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द एयर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इसको हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। एयर जो होती है उसको हमने कंप्रेस किया, कूल किया और एक्सपेंशन किया, तो वो लिक्विड एयर में चेंज हो गई। जब हमने उसको वार्म किया तो नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन उसके कंपोनेंट्स में बट गई। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द एयर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो सेकंड आता है हमारा सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल से सेपरेशन कैसे करते हैं? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस से हम उसको सेपरेट करते हैं। द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय द सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटीज। उसकी डेंसिटीज के डिफरेंस पर हमने सेपरेटिंग फनल लिया, और जो इसकी जो उसके अंदर दो लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी है ज़्यादा, एक की डेंसिटी है कम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे मतलब लोअर पार्ट में होगा उसका, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो होगा लाइट लिक्विड होगा तो वो अपर पार्ट में होगा उसके, जिसकी वजह से उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। नीचे कॉर्क लगी होती है, अब कॉर्क को हम ओपन करेंगे, एक बीकर लाएंगे, कॉर्क को ओपन किया, जो हैवी लिक्विड है सबसे पहले वो आ जाएगा नीचे, फिर हम कॉर्क को क्लोज कर देंगे, फिर सेकंड बीकर लाएंगे जिसमें लाइटर लिक्विड आ जाएगा उसको क्लोज कर देंगे, तो जिसकी वजह से हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है एग्जांपल से समझते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। मिक्सचर वाटर और केरोसिन का, केरोसिन जो होता है वो लाइटर होता है, वाटर जो होता है वो हैवी होता है। सेपरेटिंग फनल में वाटर जो होगा वो लोअर पार्ट में आ जाएगा और केरोसिन जो होगा वो हायर पार्ट में आ जाएगा। अब हम कॉर्क को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे और फिर कॉर्क को क्लोज कर देंगे, फिर कॉर्क को ओपन करेंगे, फिर हम सेकंड बीकर में केरोसिन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस डेंसिटीज के डिफरेंस से होता है। सेकंड आता है हमारा मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। तो वाटर हैवी है, पेट्रोल लाइट है, तो पेट्रोल ऊपर वाटर नीचे, तो कॉर्क ओपन का, वाटर एक बीकर में ले लिया, फिर कॉर्क को क्लोज किया, फिर सेकंड बीकर लाए, कॉर्क को ओपन किया, सेकंड बीकर में हमने पेट्रोल ले लिया। अब एक और केस आता है, अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। मिक्सचर जो होता है दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स का, उसे भी हम सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मरकरी, वाटर एंड बेंजीन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज करके। तो जो मरकरी होता है वो होता है सबसे हैवीएस्ट, फिर आता है वाटर, एंड देन आता है बेंजीन। बेंजीन जो होता है सबसे आता है बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो सबसे लाइट होता है। तो मरकरी जो होगा वो सबसे हैवियर होगा तो वो बॉटम में आ जाएगा, फिर जो वाटर होगा उसके बाद में वो आ जाएगा मिडिल में, और बेंजीन जो होगा वो सबसे लाइट होगा तो वो सबसे टॉप पर चला जाएगा। तो हम कॉर्क को ओपन करेंगे, सबसे पहले हम मरकरी को सेपरेट करेंगे, फिर वाटर को, एंड देन बेंजीन। इस प्रोसेस से हम तीन, दो या दो से ज्यादा को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आज ही हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।